अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सवाद है, मैं बीकॉम स्टूडेंट हूँ। मेरा सवाल ये है कि शादी में जैसो दुल्हन का जैसो हिजाब कैसा होना चाहिए, जो बिना पूछे दूसरे लोग आके जैसो फोटोज जो खींचते हैं उसके बारे में मेरे को जवाब चाहिए। और वेटर्स जो रहते शादी खाने में उनके सामने कैसा हिजाब होना चाहिए? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहन ने सवाल किया है कि जब लड़की की शादी होती है, निकाह होता है, तो लोग जब मिलने आते हैं, जो दावत होती है, दावत शादी की जो तकरीब होती है, उसमें दुल्हन को किस तरीके से हिजाब करना चाहिए, क्योंकि फोटोग्राफ वगैरह भी लिए जाते हैं और साथ में वेटर्स वगैरह भी होते हैं, तो उनके सामने फिर कैसा हिजाब हो? मैं सबसे पहले आपको एक चीज वादे कर दूं कि हिजाब घर के बाहर निकलने का अलग, वेटर्स के सामने अलग, गैर महरम मर्द जो खानदान में उनके सामने अलग नहीं होता, एक ही हिजाब होता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जैसे आपने कहा कि देखिए जहां तक सिर्फ औरतें हैं महफिल में वहां पर हिजाब की जरूरत नहीं है, लेकिन आज औरतों की महफिल कहां रही है? शादी खानों में दूल्हे वाले पूरे ये साइड आ जाएंगे, दुल्हन वाले वो साइड चलेंगे, कैसा और अपन हो रहा है देखिए, अस्तग़फिरुल्लाह। हमको एहसास भी नहीं हो रहा है कि इस्लाम में गोशा पर्दा हिजाब की कितनी बड़ी अहमियत है। तो आज हम कोई शादी के फंक्शन में जा ही नहीं सकते, क्योंकि सीधा ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि पूरे दूल्हे वाले पूरे बच्चे पूरे गैर महरम मर्द अंदर आ जा रहे हैं। तो ये बड़ी तकलीफ की बात है कि मुस्लिम माशरे में हिजाब को मेंटेन नहीं किया जा रहा है। आपने जैसे फोटोग्राफी के बारे में कहा, बहन जो फोटोज शादी के लिए लिए जा रहे हैं उसको डेवलप कौन करते हैं? फोटोज कौन लेते हैं, डेवलप कौन करते हैं, वीडियो बनाते कौन है, देखते कौन है? गैर महरम। तो अगर कोई लेडी फोटोग्राफर को, जब थोड़े स्मार्ट लोग, अलग स्मार्ट लोग होते हैं, लेडी फोटोग्राफर को, लेडी वीडियोग्राफर को लाते हैं ताकि भाई हिजाब मेंटेन हो, देखते कितने लोग हैं? पूरे ससुराल वाले, पूरे मायके वाले, सब, पूरी दुनिया देखती है। तो बहन ऐसा लेना ही हमारे लिए जायज नहीं है, ये हराम है हमारे लिए। तो जहां औरतें हैं खाली और खाली दूल्हा आ रहा है, तो ऐसे हालत में दुल्हन माशाल्लाह जितना बन सवर कर रह सकती है वो माशाल्लाह रह सकती है। वेटर्स का जैसे आपने पूछा कि शादी खाने में जैसा वेटर्स होते हैं, तो जिस तरह आप हिजाब कर रही हैं, वो चाहे वेटर हो, तरकारी वाला हो, दूध वाला हो, यहाँ तक कि आपके खानदान का कोई गैर महरम मर्द हो, सबके सामने एक ही हिजाब होगा। मैंने इंशाल्लाह, उम्मीद है आपका जवाब मुकम्मल हुआ।